हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। हाल ही में शाहजहांपुर में कलान थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा व्यापारी की पिटाई की गई थी। इसी बात को ज्यादा दिन भी नहीं हुए कि फिर एक बार पुलिस का अमानवीय चेहरा लोगों के सामने आया है। इस मामले का वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिसमें कोतवाल से लेकर अन्य पुलिस कर्मचारी सरेआम बड़े ही बेरहमी से दो साधुओं और उनके परिजनों को डंडे से मारते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला शाहजहांपुर के शहबाज नगर रोड स्थित सैनिक कॉलोनी के बालाजी मंदिर के पास का है। बताया जा रहा है कि यहां के रहने वाले साधु का मकान पर दरवाजा लगाने को लेकर पड़ोस के रहने वाले फौजी से कुछ विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत पर पहुंची पुलिस कर्मचारियों के साधु और उनके परिजनों के साथ तू-तू मैं-मैं हो गई। इसी बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच में मारपीट भी हुई, जिसके बाद विवाद की खबर लगते ही थाने से भरी मात्रा में गाड़ियों में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और साधु तथा उनके परिजनों को बड़ी ही बेरहमी से डंडों से पीटने लगी। पुलिस की पिटाई का आलम यह था कि लड़के का पिटाई में सिर तक कट गया था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, लेकिन बेरहम पुलिस वाले फिर भी नहीं रुके और जमकर सभी को पीटते रहे। जब तक उनके मन की भड़ास नहीं निकली, उनकी पिटाई जारी थी। हद तो तब हो गई जब सभी को पीटने के बाद पुलिस वालों ने साधुओं को सड़क पर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और थाने में ले गई। ब्राह्मण ये संत और मंदिर वाकई टूट रहे सर। आओ हम दिखाएं, कितने दिखाएं आपको, गौ करती दिखाएं, संतों को पिटना दिखाएं, ब्राह्मणों को पिटना दिखाएं, गौ करती दिखाएं। और बोलिए आप ट्रकों में भगे गाय जाती है, हमारी आंखों के सामने करती है महाराज, हम देखते रह जाते हैं। जहां पर पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। यह सब देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा था कि जिन पुलिस वालों की तरफ लोग खुद की सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं, अगर वही ऐसी हरकतें करने लगेंगे तो गुंडों में और पुलिस में क्या फर्क रहेगा। शाहजहांपुर से अनुभव गुप्ता की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।